दोस्तों ICICI बैंक की तरफ से जो आई मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है, अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बिना डेबिट कार्ड यानी बिना ATM कार्ड के रजिस्टर करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे, मैं यहां पे फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आई मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करके ओपन करिएगा। कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी रजिस्टर नंबर है उसी मोबाइल में होना चाहिए जिसमें आप आई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप नया अकाउंट भी खोल सकते हैं मगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आपको करना होगा क्लिक। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इंडियन रेसिडेंस एंड NRI AC। तो आपको इंडियन रेसिडेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक टर्म एंड कंडीशन मिल जाता है, उसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए इतना हम कर देते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होता है, आपका सिम कार्ड आपके मोबाइल में ही लगा होना चाहिए। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, कंटिन्यू कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरीफाइंग मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड हो गया। अब आपको यहाँ पर पिन बनाना होगा। तो यहाँ पर जो है एक 4 डिजिट का पिन बनाना होता है, मैंने बना लिया। वही पिन सेम नीचे भी डालेंगे आप। कन्फर्म पिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह का मिलेगा। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है अपने अकाउंट को। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक डेबिट कार्ड का, एक नेट बैंकिंग का। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो नेट बैंकिंग का यूज़र आई डी और पासवर्ड यूज़ करके आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, नेट बैंकिंग वाले क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र आई डी डालना होगा, उसके बाद नीचे पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे लोडिंग लिया जाएगा, आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट करने के लिए बोला जा रहा, आप चाहें तो कर ले या फिर बाद में भी कर सकते हैं। आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा, कंग्रेचुलेशन, आपने आई मोबाइल एप्लीकेशन को सक्सेसफुल रजिस्टर कर लिया। यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका जो है आई मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, विदाउट डेबिट कार्ड, विदाउट ATM कार्ड आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अपना बैलेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। थैंक यू।